नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश बाल भारती लेसन 1.7 परम वीर चक्र आवर हीरोज का क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो पॉइंटर्स में देखिएगा, वैसे टेक्स्ट बुक में भी दिखा देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है स्टार्टिंग में, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या करना है आपको, ये जो पैसेज दिया गया था ना, इसे आपको रीड करना है और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आप लोग को बताने हैं। ठीक है, तो चलो दिखाते जाती हूँ मैं आपको इसका आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि ए है, व्हाट इज परमवीर चक्र। परमवीर चक्र क्या होता है बच्चों, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। परमवीर चक्र क्या होता है आप लोग साफ साफ देख सकते हो, है ना। परमवीर चक्र इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। इट इज अवॉर्डेड फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी और सम डेयरिंग और आउटस्टैंडिंग एक्ट ऑफ वेलोर और सेल्फ सेक्रीफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी वेदर ऑन लैंड एट द सी और इन द एयर। ओके, बी है यहाँ पे, वॉट इज इन ऑन द अवर्स एंड रिवर्स ऑफ द पीवीसी मेडल। यानी जो पीवीसी मेडल होता है उसके आगे और पीछे क्या देखा जा सकता है, क्या रहता है उसके आगे और पीछे। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑन द अवर्स द पीवीसी हैज अ इंडियन नेशनल एम्बलम एट द सेंटर सराउंडेड बाई 4 रेप्लिकेस ऑफ इंद्र वज्र। ऑन द रिवर्स द वर्ड्स परमवीर चक्र आर एंग्रेव्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश विथ 2 लोटस फ्लावर्स इन बिटवीन। ओके, तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। फिर सी है यहाँ पे, हु डिज़ाइन द पीवीसी मॉडल, मतलब पीवीसी मेडल को किसने डिज़ाइन किया था। तो इसका आंसर देख लीजिए, द पीवीसी मेडल वॉज डिज़ाइन बाय सावित्री बाई खानोलकर, अ यूरोपियन लेडी हु मैरिड विक्रम खानोलकर एन इंडियन आर्मी ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स इंद्र वज्र और वेपन इनविंसिबल। यानी मतलब क्या चीज़ है जिसने इंद्र वज्र को क्या बना दिया, कैसा हथियार बना दिया, इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं इनविंसिबल मतलब जैसे आपने लेसन में देखा होगा अपराजित, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसको हराना क्या हो, मुश्किल हो। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब कठिन हो, इम्पॉसिबल हो, आप ऐसा समझो। मतलब जिसके हाथ में यह हथियार रहेगा, इंद्र वज्र रहेगा, ठीक है, तो उसको कोई भी नहीं हरा सकता, आप ऐसे समझो। इनविंसिबल मतलब क्या, जिसको हम डिफीट नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते। ठीक है, तो आंसर देखो यहाँ पे, द सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ दधीची मेक्स इंद्र वज्र इनविंसिबल। यानी देखो, ये जो इंद्र वज्र बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, जब दधीची जी ने, जो दधीची थे ऋषि जो तपस्या कर करके इतने महान बने थे, उन्होंने अपनी हड्डियाँ दी थी, राइट, अपनी हड्डियाँ इन्होंने किस लिए दी थी, ये वज्र बनाने के लिए, तो उन्हीं हड्डियों से ये वज्र बना हुआ था। ठीक है, तो इसी कारण से वो क्या था, इनविंसिबल, यानी कोई भी उनको हरा नहीं सकता था। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो, इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए थे सबके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, ए बी सी डी सबके आंसर बता दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या है, राइट द स्टोरी ऑफ सेज दधीचीज सेक्रीफाइस इन योर ओन वर्ड्स। अभी आपको क्या करना है, जो ऋषि दधीची थे, ठीक है, उनके सेक्रीफाइस को आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, बताना है। ठीक है, कैसे उन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस मतलब बलिदान कर दिया था, किस लिए बलिदान किया था, सबकी भलाई के लिए, है ना, क्योंकि वो जो राक्षस थे वो ऐसे तो मरने वाले नहीं थे, है ना, वो मरने वाला था क्या, नहीं, उसको मारने के लिए कुछ ना कुछ मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए था। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े ही खतरनाक होते, उसी प्रकार से ये भी था, तो ये तो जल्दी मर नहीं रहा था, राइट, तो इसीलिए जो देवता थे उनको दधीची ऋषि की हेल्प लेनी पड़ी। ओके, चलो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, पूरा डिस्क्राइब किया है मैंने ये स्टोरी। थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो अ डेमोन हैड स्टॉलन ऑल द वाटर इन द वर्ल्ड। देखो क्या हुआ था, बहुत साल पहले, लगभग हजारों साल पहले, एक राक्षस था जिसने क्या किया था, पूरा पानी, ठीक है, पूरा पानी चुरा लिया था, अर्थ पर का पूरा पानी। ओके, इनोसेंट पीपल डेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर। और अभी पानी की कमी हो जाएगी तो हम कैसे जी पाएंगे, है ना, बिना पानी के एक दिन रह के बता दो, नहीं रह सकते ना, तो जो इनोसेंट पीपल थे वो बेचारे मरे जा रहे थे, मरते जा रहे थे, वाई, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर। ओके, सो दिस डेमोन कुड नॉट बी डिफीटेड बाई अ वेपन मेड ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल लाइक वुड मेटल एक्सेट्रा। यानी देखो, अगर कोई हथियार इन सारी चीज़ों से बनाया जाता, यानी वुड या फिर मेटल से, तो फिर उसको मारना इतना आसान नहीं था। मतलब ये सारी चीज़ों से अगर आप हथियार बना हुआ उसके लिए यूज़ करते तो फिर वो नहीं मरने वाला था,
उसके लिए क्या चाहिए था, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉज नीडेड टू किल हिम, यानी उसको मारने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए था, ठीक है। इट केम टू बी नोन दैट द सेज दधीची हैड बोन्स बोन्स दैट हैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। फिर इनको समझ में आया कि जो महर्षि दधीची हैं उनके उनके जो बोन्स हैं उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। द सेज वॉज अ नोबल पर्सन, अभी जो ऋषि मुनि थे वो बड़े ही, वैसे ऋषि मुनि ना ऐसे ही होते, बड़े ही नोबल, बड़े ही एकदम शांत होते, एकदम सीधे साधे होते, तो वो भी ऐसे थे। वेन ही केम टू नो दिस ही सेक्रीफाइड हिज लाइफ एंड गेव हिज ओन बोन्स टू मेक दम एपल टू हेल्प द पीपल। और जब उनको ये सारी बात पता चली तो उन्होंने अपने लाइफ को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, किस लिए, लोगों को बचाने के लिए, पीपल्स को सेव करने के लिए, ठीक है। दस इंद्र वज्र वॉज अ वेपन मेड फ्रॉम दिस बोन्स ऑफ सिक्स दधीची एंड द डेमोन वॉज डिफिटेड विद द यूज ऑफ दिस वेपन। फिर उनकी हड्डियों का क्या बनाया गया, हथियार बनाया गया, और जिसकी हेल्प से वो जो राक्षस था उसको मारा गया और फिर पूरे वर्ल्ड को सेव किया गया। ओके, तो ये थे ऋषि दधीची, समझ आया आपको। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, रीड अलाउड द अकाउंट ऑफ हाउ फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखन सेक्रीफाइड हिज लाइफ टू डिफेंड आर कंट्री। अभी आपको क्या बताना है, मतलब क्या करना है, वो जो फ्लाइंग ऑफिसर थे कौन, निर्मलजीत सिंह सेखन, ठीक है, उन्होंने कैसे अपने लाइफ को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया, ठीक है, बलिदान कर दिया अपने देश को बचाने के लिए। तो इसे आपको रीड करना है, पढ़ना है, ओके, तो इसको आप खुद से करना। नेक्स्ट, फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर परमवीर चक्र अवॉर्डीज, प्रिपेयर अ कॉलेज कोलाज यूजिंग फोटोग्राफ्स पिक्चर्स एंड टेक्स्ट मैटर रिटर्न इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अभी आपको क्या करना है बच्चों, सुनो 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 ध्यान से, जो भी परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं इनके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। फिर आप क्या कर सकते हो, उनके फोटोग्राफ्स का, पिक्चर्स का, टेक्स्ट जो भी रहेंगे उनका आप कोलाज बना सकते हो। कोलाज मतलब क्या, जैसे यहाँ पे एक फ़ोटो लगाया, फिर यहाँ पे लगाया, कुछ लिखा हुआ है तो उसको यहाँ पे लगाया, इस प्रकार से आप पोस्टर बना करके तैयार कर सकते हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कोलाज कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडियन आर्म फोर्सेज, द आर्मी, द नेवी एंड द एयर फोर्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अभी आपको क्या करना है, अपने टीचर की हेल्प से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अबाउट आर्मी, नेवी, ठीक है, जो भी एयर फोर्स होती है हमारे देश की, ये सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू टू शो योर लव, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट टू द सोल्जर्स हु फाइट फॉर द कंट्री। यानी सुनिए 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 ध्यान से, अगर जैसे हम सभी जानते हैं कि हम अपने जो हमारी आर्मी है, जो हमारे देश के जवान हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, ठीक है, तो ये सम्मान दिखाने के लिए, ठीक है, आपका प्रेम दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कैसे मतलब अपना प्रेम दिखा सकते हो, इसे आपको अपने क्लासरूम में डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, यू कैन सेंड ग्रीटिंग्स कार्ड्स टू देम, आप उनको ग्रीटिंग कार्ड्स भेज सकते हो, कोई भी अगर ओकेशन आते, कोई त्यौहार आते हैं तो वहाँ पे आप उनको ग्रीटिंग कार्ड्स भेज सकते हो, जिससे कि ये पता चले कि आप उनका कितना सम्मान करते हो, कितनी उनकी रेस्पेक्ट करते हो। ओके, तो ये भी आपको खुद से ही करना चाहिए, है ना, मतलब ये डिस्कस ही करना है ना बस आप लोग को, तो डिस्कस करिएगा क्लास में। ओके, तो यहाँ पे हमने और कोई क्वेश्चन है क्या, एक बार टेक्स्ट बुक में देखते हैं, एवरी क्वेश्चन तो देख लिया हमने, छह ही क्वेश्चन है, यस, खाली बस छह ही क्वेश्चन है, सबके आंसर मैंने आपको दे दिए हैं, तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करो। यहाँ पे आपका लेसन नंबर 1.7 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।